हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ तरबूज की दो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गर्मी का सीज़न है और इसमें तरबूज काफ़ी आता है, तो इसकी दो रेसिपीज़ तो बनती हैं। तो यहाँ पर आज मैं वाटरमेलन लेमनेड और वाटरमेलन जूस की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक से ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे मेरे FB पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए झटपट से बनाते हैं वाटरमेलन रेसिपी। और यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए तरबूज। तरबूज को मैंने फ्रिज में रख के पहले अच्छे से ठंडा कर लिया था, क्योंकि मैं इसमें बाद में आइस नहीं डालने वाली हूँ। और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में पहले कट कर लिया है। इस तरह से हम तरबूज को काट लेंगे। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक मिक्सी के जग में। इसके साथ ही इसमें ऐड करने हैं कुछ फ्रेश मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और एक छोटा नींबू या हाफ भी आप डाल सकते हैं नींबू का रस डाल देंगे। और इसके बाद हमें इसको मिक्सी में पीस लेना है। तो यहाँ पर ये अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे छलनी से छानकर इसके जो बीज वगैरह होंगे इन्हें अच्छे से निकाल देंगे। और अब ये जूस बनकर तैयार है। इसे हम चिल्ड चिल्ड ही सर्व करेंगे। बहुत ही रिफ्रेशिंग हेल्दी जूस है। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। इसे मिंट से हम गार्निश करेंगे, रेडी टू सर्व। अब सेकंड जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं तरबूज की, वो है वाटरमेलन लेमनेड। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने तरबूज को अच्छे से ठंडा करके छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे भी मिक्सी में ऐड कर दिया है। इसके साथ हमें डालने हैं कुछ ताज़ा पुदीने के पत्ते और चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच चीनी के डाले हैं। और यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है हमें नींबू, हाफ नींबू इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसमें सोडा डालेंगे तो आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इसमें लिमका या स्प्राइट कुछ मीठी ऐड करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, तो आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सोडा यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने पीस लिया है और अब इसे हम छान लेंगे, सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले भी जूस के लिए किया था। तो यहाँ पर मैं लेमनेड बनाने के लिए सोडा यूज़ कर रही हूँ, प्लेन सोडा जो होता है। आप इसकी जगह लिमका स्प्राइट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आप 2 ग्लासेस लेंगे, उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे कुछ बारीक कटे हुए तरबूज के टुकड़े। अब इसमें जाएगा सोडा। सोडे को भी मैंने फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया था। और अब ऐड कर देंगे वाटरमेलन जूस। ये बनकर बिल्कुल तैयार है वाटरमेलन लेमनेड और वाटरमेलन जूस। आज आपके साथ 2 रेसिपी शेयर की हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं, ज़रूर से ट्राई करिएगा। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।